वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है CBI 5 द ब्राइन और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही सालों से CBI के सीरीज रिलीज होते आ रहे हैं और उन सीरीज में से ये 5th पार्ट है। अगर टाइम मिला तो बाकी पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप मूवी के बारे में बात करें तो इसकी जात का मुझे अभी तक ये बात पता नहीं चली कि मलयालम मूवीज इतनी लंबी लंबी क्यों होती है। 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट, इतनी लंबी मूवी देखने के बाद कल्प्रिट कौन निकल के आता है जो हमने सोचा नहीं होगा। तो इस मूवी की हालत भी यही है भाई साहब। एंड में जाके सस्पेंस रिवील होता है और उसकी कहानी। लास्ट मैंने 21 ग्राम्स मूवी को एक्सप्लेन किया था, सो कंपेयरिंग टू दिस मूवी मुझे वही मूवी पसंद आई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले प्यार फॉर्म इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो IPS की ट्रेनिंग लेते रहते हैं। CBI ऑफिसर्स बालू और विनय इन स्टूडेंट्स की क्लास लेते रहते हैं। क्लास के दौरान वो स्टूडेंट्स बालू से यह सवाल पूछने लगते हैं कि सर आपके करियर में ऐसा कौन सा केस है जो आपको टफ लगा। बालू कहने लगता है कि हर एक कॉम्प्लिकेटेड केस हमारे पास ही आता है, लेकिन मेरे करियर में एक ऐसा केस गुजरा जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अजीब भी था। ऐसा कहते हुए स्टोरी सुनाने लगता है। कुछ सालों पहले मिनिस्टर अब्दुल और उनका सेक्रेटरी अनवर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, तभी मिनिस्टर अब्दुल को हार्ट स्ट्रोक आता है। इत्तेफाक से उसी फ्लाइट में एक डॉक्टर होता है। वो डॉक्टर वहाँ के पैसेंजर्स से इकोस्प्रिन टैबलेट मांगने लगता है, लेकिन तभी मिनिस्टर अब्दुल की मौत हो जाती है। अब्दुल मरने के बाद स्टेट CM अब्दुल के घर आकर उनके फैमिली मेंबर्स को कंडोलेंस देकर जाता है। थोड़े दिनों बाद मिनिस्टर के पास काम करने वाला मुत्तुकोया नाम का एक बंदा मिसिंग हो जाता है। और कुछ दिनों बाद मिनिस्टर का पर्सनल डॉक्टर डिस्क्राम होता है वेणु, वो जब ट्रकरिंग करने के लिए गया था वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस के दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर वेणु कैसे मरा, क्या पैर फिसलने की वजह से या किसी ने डॉक्टर वेणु को धक्का दिया। उसके बाद पब्लिक और मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि मिनिस्टर अब्दुल की नॉर्मल डेथ नहीं है, उनके डेथ के पीछे कोई ना कोई राज है। मिनिस्टर अब्दुल मरने के बाद उनके पास काम करने वाला बंदा और उनका डॉक्टर मरना ये कोई आम बात नहीं। बासुरन नाम का एक बंदा मीडिया के सामने आकर ये कहने लगता है मिनिस्टर अब्दुल मरने के पीछे क्या राज है ये पुलिस फटाफट से फाइंड आउट करना होगा। क्या मिनिस्टर के मरने में CM का हाथ है? इस तरह से भासुरन और कुछ लड़के प्रोटेस्ट करने लगते हैं, मतलब आवाज उठाने लगते हैं। अब यही न्यूज स्टेट CM देखता रहता है, अपने आदमियों से गुस्सा करने लगता है कि बात करने की फ्रीडम है ये सोचकर सारे लोग कुछ भी बकेंगे। दूसरे दिन ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि भासुरन की मौत हो गई। पुलिस सोचने लगती है कि भासुरन खुद अपने आप को फांसी लगाया या किसी ने लगवाया, सुसाइड है या मर्डर। सो पुलिस इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। उसके कुछ दिनों बाद अपराजिता नाम की एक लड़की सुबह सवेरे घर घर पेपर्स डालने के लिए जाती रहती है। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर जोश अपने घर से निकलकर जॉगिंग करने लगता है उसी रास्ते में, तभी एक गाड़ी आकर पुलिस ऑफिसर जोश को ठोक देती है। वो कार जोश को कुचल कुचल के मार देती है। अब ये एक्सीडेंट वहीं पर रहकर अपराजिता देखती रहती है, बेचारी डर जाती है। और तभी अपराजिता ये देखती है कि इसके पास ही के बिल्डिंग में एक बंदा इस एक्सीडेंट को देखकर अपनी खिड़कियां बंद कर लेता है, लाइट्स ऑफ कर लेता है। उसके बाद सत्यदास नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। जब अपराजिता को ये बात पता चलती है कि पुलिस वाले जोश के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अपराजिता सत्यदास के पास जाती है ये सोचकर कि इन्फॉर्मेशन बोलने पर पुलिस वाले इसको इनाम देंगे। सो अपराजिता उस रात जो कुछ हुआ वो सारी बात सत्यदास को बताती है कि इसने उस एक्सीडेंट को अपनी आँखों से देखा और इसी तरह बगल वाले बिल्डिंग का एक बंदा भी देखा। सो सत्यदास अपराजिता के साथ उस एरिया को जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पर उस बंदे का घर है। सत्यदास उस घर को देखकर अपराजिता से कहने लगता है कि तुमने हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, ये बात तुम किसी से शेयर मत करना। इस तरफ उन्नीतन नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपने हायर ऑफिसर को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर आप जोश के केस को किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के हाथ में सौंप दीजिए, आप सत्यदास के बारे में जानते हो, फुल्ली करप्टेड है ना वो, जोश की फैमिली को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हायर ऑफिसर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी और सत्यदास के बीच जमती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर ऐसे ब्लेम करो। सत्यदास को इन्वेस्टिगेशन करने दो, देखते हैं क्या होता है। खैर इन्वेस्टिगेशन के दौरान सत्यदास अपने टीममेट इकबाल से कहने लगता है ऑफिसर जोश सिंसियर से काम करते हुए रेगुलरली रेत के लारियों को सीज करता था, मतलब रेत को चुराने वाले सेपरेट माफिया होती है। रिसेंटली जोश ने श्याम नाम के एक रेत के कॉन्ट्रैक्टर के लारियों को भी सीज किया था, शायद कॉन्ट्रैक्टर श्याम ही रिवेंज में आकर जोश को मार दिया होगा। इकबाल सत्यदास से कहने लगता है कि सर ऑफिसर जोश सिर्फ श्याम की लारियों को ही सीज नहीं करता था, आपके फ्रेंड सुभाष की लारियों को भी सीज किया था, लेकिन आप स्पेशली श्याम पर ही शक कर रहे हो।
यह सुनने के बाद सत्यदास गुस्से में आकर इकबाल से कहता है, नहीं मुझे श्याम पर ही पूरा शक है। तो तभी सत्यदास की टीम श्याम के घर जाकर श्याम को गिरफ्तार कर लेती है। कॉन्ट्रैक्टर श्याम की वाइफ यह सोचने लगती है कि पुलिस वाले जानबूझ के इसके पति को इस केस में फंसा रहे हैं। सो श्याम की वाइफ अपने पति को बचाने के लिए लॉयर प्रतिभा के जरिए से कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल करती है कि जोस के मर्डर केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दे। सो कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। जब प्रतिभा अपने घर आती है तो इसके घर में ऑलरेडी सत्यदास होता है। सत्यदास और कोई नहीं, इसका हस्बैंड ही होता है। सत्यदास अपनी वाइफ को देखकर गुस्सा करने लगता है, क्या सच में तुम मेरी बीवी हो? जो केस मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उस केस को तुमने सीबीआई के हाथ में सौंप दिया, उस केस को लड़ा तुमने, मेरे इन्वेस्टिगेशन पे ही शक करने लगी तुम। मुझे पहले से ही सीबीआई से बहुत नफरत है। हर बार हम बहुत ही मेहनत से केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबूतों को इकट्ठा करते हैं और बाद में क्या होता है, वो केस सीबीआई वाले छीन लेते हैं। मेहनत हमारी नाम उनका। प्रतिभा कहने लगती है, मैं जानबूझ के ये केस सीबीआई के हाथ में दे दिया। जब सीबीआई ऑफिसर्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनको लोकल पुलिस वालों की हेल्प चाहिए। अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो वो लोग भी ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सीबीआई की हार होगी और घुमा फिरा के वही केस आपके हाथ में आएगा। सो सत्यदास यही सोचने लगता है कि सीबीआई ऑफिसर्स किसी भी तरह करके इस केस को जीतना नहीं चाहिए, सीबीआई को हराना चाहता है। सो सत्यदास कॉन्ट्रैक्टर श्याम को बुलाकर ये कहने लगता है, जब सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी तो तुम्हारी तो खैर नहीं, बहुत टॉर्चर करेंगे वो लोग, मेरी बात मानो, तुम कहीं पर भाग जाओ। मतलब श्याम को इस तरह से डरा देता है। तो श्याम उसी तरह से बिना किसी को बताए कहीं पर भाग जाता है या अंडरग्राउंड हो जाता है। उसके बाद उन्नीतन सीबीआई ऑफिसर बालू को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि जोस का केस सत्यदास के हाथों से निकलकर आपके डिपार्टमेंट को आया, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने तो इस केस को लेने से मना कर दिया, कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी कि आपके पास टाइम नहीं, प्लीज बालूजी आप पिटीशन को वापस ले लीजिए, वो सत्यदास एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, मुझे उस पर भरोसा नहीं, इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगता है। उसके बाद सेतु नाम के एक सीबीआई ऑफिसर को हेड ऑफिस से बुलावा आता है। सेतु और बालू को जोस की केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। सो सेतु की टीम भागे हुए श्याम की तलाश में लगी रहती है, क्योंकि इस केस में श्याम एक सस्पेक्ट है। जब बालू और एक और बंदा केस के फाइल्स मांगने के लिए सत्यदास के पास जाते हैं, सत्यदास जानबूझ के बालू को इनकम्प्लीट फाइल्स देता है, कहने लगता है कि हमेशा आपकी डिपार्टमेंट हमसे केस को छीन लेती है, देखता हूँ मैं भी किस तरह से आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब इस तरह से नीचा दिखाने लगता है। इस तरफ सेतु मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी अनवर के साथ मिलकर मिनिस्टर के घर जाता है। मिनिस्टर की वाइफ सेतु से कहने लगती है कि उनको पहले से ही हार्ट स्ट्रोक आया था, अब रिसेंटली दूसरी बार आने पर उनकी मौत हो गई, इसीलिए उनकी मौत पर हमको ज्यादा शक नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक अनजान बंदा हमारे लैंडलाइन फोन को कॉल करके ये पूछा, क्या मिनिस्टर की मौत में आपको किसी तरह का शक है? उसने अपना नाम नहीं बताया। सेतु उस फोन नंबर को लेकर उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करने के लिए कहता है। उसके बाद सेतु अपनी टीम से एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल करने के लिए कहता है। उसके बाद सेतु थोड़ा बहुत सोचकर अपनी टीम से ये डिस्कस करने लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर श्याम पैसे देकर जोस को मरवाने के बदले अगर उसमें से थोड़े पैसे किसी मिनिस्टर को दे देता तो सिंपल से जोस का ट्रांसफर हो जाता। सो मेरे ख्याल से ये रेत का केस नहीं है, जोस के मौत के पीछे दूसरा कारण हो सकता है। उसके बाद सेतु डॉक्टर वेणु के ड्राइवर अनिल को अपने पास बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। अनिल कहने लगता है कि डॉक्टर वेणु जब जब ट्रैकिंग के लिए जाया करते थे, डॉक्टर वेणु के साथ उनका फ्रेंड मंसूर भी उनके साथ जाया करता था। उसके बाद सेतु डॉक्टर वेणु की वाइफ से जा मिलता है, पूछने लगता है कि ये मंसूर कौन है। वेणु की वाइफ कहने लगती है कि ये मंसूर कौन है मुझे नहीं पता, वेणु मरने के दिन मंसूर हमको कॉल किया था, पूछने लगा था कि वेणु ट्रैकिंग के लिए गया है या नहीं, लेकिन उस दिन मंसूर भी ट्रैकिंग के लिए गया था या नहीं ये मुझे नहीं पता। इस तरफ सेतु की टीम जोस की वाइफ के पास जाते हैं। जोस का फोन देखने पर इन लोगों को ये बात पता चलती है कि उस दिन जोस के मोबाइल को काफी सारे मिस्ड कॉल्स आ चुके थे। जोस की वाइफ कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड हर रोज जॉगिंग के लिए जाते हैं, मेरे पति मरने के एक दिन पहले भी वो जॉगिंग के लिए गए थे, लेकिन फौरन वो घबराते हुए जॉगिंग से वापस आ गए। उस दिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी को भी नहीं गए, कुछ टेंशन से लग रहे थे, इसीलिए किसी के कॉल्स पिक नहीं किया, दूसरे दिन ही मेरे पति की मौत होगी एक्सीडेंट की वजह से। सेतु जोस की फैमिली को अपने ऑफिस बुलाकर कहने लगता है, मतलब जोस मरने के एक दिन पहले भी जॉगिंग गया था लेकिन 20 मिनट के अंदर वापस आ गया, उस 20 मिनट में क्या होगा ये हमको पता करना होगा, जोस के मरने की वजह पता चलेगी। उसी तरह जोस की वाइफ सेतु से ये कहती है कि लॉयर प्रतिभा खुद इसके पास आई थी, ना ही कि जोस की वाइफ प्रतिभा के पास गई, मेरे पति के केस को सीबीआई के हाथ में सौंपने की बात की थी,
ये सुनने के बाद सेतु और उसकी टीम प्रतिभा को अपने ऑफिस बुलाते हैं। सेतु पूछने लगता है कि हमें ये बात पता चली कि आप खुद जोश की वाइफ के पास गई, जिस केस को आपके पति इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसी केस को आपने सीबीआई के हाथ में क्यों सौंपने के लिए कहा। प्रतिभा कहने लगती है कि मेरा पति जोश के केस को रॉन्गली इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जानबूझ के सैम को इस केस में फंसा रहा था, इसीलिए जोश और सैम को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने इस केस को लड़ा। तभी सीबीआई वालों को एक कांस्टेबल के जरिए से अपराजिता के बारे में पता चलता है, मतलब जोश के केस में अपराजिता आई विटनेस है। अपराजिता से पूछने पर अपराजिता सीबीआई वालों को उस घर के पास ले जाती है जिस घर से एक बंदा झाग रहा था। उस घर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने पर सेतु को ये बात पता चलती है कि ये घर और किसी का नहीं, कॉन्ट्रैक्टर सैम का ही है। उसी वक्त सैम ड्राइविंग करते हुए अपनी कार को एक पेड़ से ले जाकर ठोक देता है, उसकी मौत हो जाती है। यही न्यूज सीबीआई वालों को पता चलती है। सैम का पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर सेतु से कहने लगता है कि सैम हार्ट अटैक की वजह से मर गया, शायद उसी स्ट्रोक के दौरान सैम अपना कंट्रोलिंग खो दिया होगा। उसके बाद सेतु की टीम सैम की वो घर में जाती है। उस घर में जाने के बाद ये लोग ये देखते हैं कि उस घर में एक सीसीटीवी कैमरा है और वो मिसिंग है। वॉचमैन से पूछने पर यह बात पता चलती है कि वो सीसीटीवी कैमरा खराब होने की वजह से सर्विसिंग को दिया है। सीबीआई ऑफिसर्स उस कैमरे को रिपेयर करवा के उसके डेटा को रिकवर करने लगते हैं। फुटेज को देखने के बाद सेतु को ये बात पता चलती है कि सैम अपने दूसरे घर में दूसरे औरतों को लाया करता था। इन्हीं वीडियोस में सीबीआई वाले लॉयर प्रतिभा को भी देखते हैं। उसी वक्त सेतु लॉयर प्रतिभा को अपने ऑफिस बुलाकर इसके बारे में पूछने लगता है कि आप सैम के बिल्डिंग में क्या कर रहे थे। प्रतिभा कहने लगती है कि मेरा और सैम का अफेयर चल रहा था, तो जब मुझे ये बात पता चली कि मेरे पति जोश के केस में सैम को फंसा रहा है तो मैं डर गई कहीं हमारा रिलेशनशिप बाहर ना आ जाए। जोश की वाइफ से मुलाकात करके उसका केस लड़ा, केस सीबीआई के हाथ में सौंपने का पिटीशन दाखिल किया। सो सेतु अपनी टीम को देखकर कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये केस इतना जल्दी सॉल्व होगा। बहुत टाइम पहले संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के डेथ के पीछे क्या लिंक हो सकता है, ये जानने के लिए सीबीआई की एक टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसी टीम में मेरा एक फ्रेंड विक्रम भी मौजूद था, लेकिन इत्तेफाक से उस टीम के सारे मेंबर्स अचानक से मरने लगे। लकीली मेरा फ्रेंड विक्रम बच गया, लेकिन फिलहाल पैरालाइज की हालत में है। सो हायर ऑफिसर से ऑर्डर आने पर वो इन्वेस्टिगेशन रुक गई। सो सेम उस केस की तरह ये केस भी मिस्ट्री बनता जा रहा है। जोश मरने से पहले उस 20 मिनट में क्या हुआ हमको ये पता करना होगा। उसके बाद सेतु की टीम बासुरन की गर्लफ्रेंड से मुलाकात करके बासुरन के घर जाते हैं। बासुरन वही बंदा फांसी लगा के मर गए ना। बातों ही बातों में जब ऑफिसर्स बासुरन के घर की तलाशी ले रहे होते हैं, उसके घर में एक बंदे की पेंटिंग होती है। बासुरन की गर्लफ्रेंड से इस बंदे के बारे में पूछने लगती है। वो लड़की कहने लगती है कि इस बंदे का नाम है संदीप, बासुरन का फ्रेंड है ये। उसके बाद वो ऑफिसर्स उस पेंटिंग की फोटो क्लिक करके सेतु को लाके दिखाते हैं। इस पेंटिंग को देखकर सेतु का एक टीम मेंबर सेतु से कहने लगता है कि जिस दिन मिनिस्टर की मौत हुई थी ये बंदा एयरपोर्ट में नजर आया। जब सेतु और उसकी टीम उस फ्लाइट के पैसेंजर लिस्ट को चेक करती है तो उसमें संदीप नाम का कोई भी बंदा नहीं होता। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि डॉक्टर वेणु का ड्राइवर अनिल है ना, उसके कहने पर इस बंदे का नाम होता है मंसूर, लेकिन बासुरन की गर्लफ्रेंड ने क्या कहा, संदीप। सो सेतु सोचने लगता है कि ये दो नाम भी लिस्ट में नहीं है, जिसका मतलब इस बंदे का दूसरा नाम हो सकता है। और थोड़ी देर बाद सेतु को ये याद आता है कि सेतु ने अपने फ्रेंड विक्रम के मुंह से मंसूर का नाम सुना था। सो सेतु और उसकी टीम संदीप अलियास मंसूर की फोटो ले जाकर विक्रम के पास जाते हैं। विक्रम से पूछने लगते हैं कि आपको पता है इसका असली नाम क्या है। विक्रम एक बंदे के गले में क्रॉस को दिखाता है। थोड़ा दिमाग लगाकर सेतु समझ जाता है कि इस बंदे का क्रिश्चियन नाम हो सकता है। यही बात वो विक्रम से पूछता है। विक्रम इशारों से हाँ का जवाब देता है। सो सेतु उस फ्लाइट के पैसेंजर्स लिस्ट में से क्रिश्चियंस नाम को पढ़ने लगता है। नाम के दौरान जब पॉल का नाम आता है, विक्रम इशारों से कहने लगता है कि इस बंदे का असली नाम पॉली है। उसके बाद सेतु की टीम के दो लोग किसी चर्च को जाते हैं, वहाँ पर अनिल नजर आता है। इसी बातों ही बातों में अनिल उसी चर्च में पॉल को देखता है, कहने लगता है कि इसी का नाम मंसूर है, यही डॉक्टर वेणु का फ्रेंड है। उसके बाद क्या था, सीबीआई वाले पॉल को उठाकर अपने ऑफिस लाते हैं। सेतु पॉल से पूछने लगता है कि जिस दिन मिनिस्टर फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे तुम भी उसी फ्लाइट में थे, क्यों तुम मिनिस्टर को फॉलो कर रहे थे। पॉल कहने लगता है कि मैं किसी को भी फॉलो नहीं किया, मैंने 10 दिन पहले फ्लाइट टिकट्स को बुक कर लिया था। सेतु पूछने लगता है कि तुम डॉक्टर वेणु को कैसे जानते हो। पॉल कहने लगता है कि मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, डॉक्टर वेणु को भी टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सो दोनों की थॉट्स मैचिंग होने की वजह से हम दोनों में दोस्ती हो गई। उसके बाद सेतु बासुरन के बारे में पूछने लगता है कि तुम बासुरन को कैसे जानते थे। पॉल कहने लगता है कि बासुरन की मुलाकात एक होटल में हुई,
बहुत ही कम समय में हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। सेतु पूछने लगता है कि इससे पहले भी तुमको सीबीआई ऑफिसर्स वाले इंक्वायरी के लिए बुलाया था ना? पॉल कहने लगता है, हाँ एक सीबीआई टीम मेरे इंट्रोगेशन करके मुझे छोड़ दिया, अब आप लोग मेरी इंट्रोगेशन कर रहे हो, आप भी छोड़ दोगे मुझे। इसी बातों ही बातों में सेतु की नज़र पॉल के गले के लॉकेट पर पड़ती है। पता चलता है कि वो लॉकेट नहीं बल्कि एक पेनड्राइव है। उस पेनड्राइव में चेक करने पर उस पेनड्राइव में पेसमेकर नाम के डिवाइस के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब पेसमेकर क्या है ये जानने के लिए आप लास्ट वीडियो देखिए, वही 21 ग्राम्स। सिंपल से बात करें तो जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके बॉडी में ये डिवाइस इम्प्लांट किया जाता है। पॉल कहने लगता है कि मैंने एक बार वेनु से कहा कि पेसमेकर डिवाइस को हैक करके इंसान को मार सकते हैं। डॉक्टर वेनु ने कहा इट्स इम्पॉसिबल। सो डॉक्टर वेनु को प्रूव करने के लिए मैं इस पेसमेकर के डिवाइस को स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद सेतु को मिनिस्टर की वाइफ से ये बात पता चलती है कि यही डिवाइस मिनिस्टर को भी इम्प्लांट किया गया था और इम्प्लांट करने वाला और कोई नहीं डॉक्टर वेनु। खैर सेतु की टीम सेतु को देखकर कहने लगती है कि सर पॉल ने 10 दिन पहले अपने फ्लाइट टिकट्स को बुक किया, लेकिन मिनिस्टर उसी दिन उसी वक्त टिकट्स को बुक किया था। सो मिनिस्टर की जर्नी के बारे में पॉल को कैसे पता चल सकता है? सो बहुत सोचने के बाद सेतु अपनी टीम से ये पता करने के लिए कहता है कि जिस दिन पॉल अपने टिकट्स को बुक किया था उस दिन किन किन लोगों ने अपने टिकट्स को बुक किया था और उस लिस्ट में से किस किस को हार्ट प्रॉब्लम है ये भी पता करो, तभी हमको पॉल के टारगेट के बारे में पता चल सकता है। सो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने पर सीबीआई वालों को ये बात पता चलती है कि जॉर्ज और सुजैन नाम के हस्बैंड एंड वाइफ उसी दिन को अपने फ्लाइट के टिकट्स को बुक किया था और ये दोनों भी हार्ट पेशेंट्स है, इनके बॉडी में भी पेसमेकर है। जॉर्ज और सुजैन फ्लाइट टिकट्स को तो बुक कर लिया लेकिन उस दिन जर्नी नहीं कर पाए। यह सुनने के बाद सेतु जॉर्ज और सुजैन का एड्रेस पता करने के लिए कहता है, लेकिन तभी इस तरफ पॉल अपना भेष बदलकर जॉर्ज और सुजैन के घर आता है। पॉल उन दोनों को बातों में लगाकर पेसमेकर डिवाइस को हैक करने की कोशिश करते रहता है। तभी वहां पर सेतु और उसकी टीम आ जाती है। पॉल इन लोगों को देखकर भागने लगता है लेकिन सेतु की टीम पॉल को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद सेतु सुजैन के पास आकर ये पूछने लगता है कि आपका इससे पहले दूसरा नाम था ना, आपने क्यों अपना नेम बदल दिया? सुजैन अपना फ्लैशबैक सेतु को बताने लगती है। ये क्या बताती है वो बाद में पता चलेगा। उसके बाद सेतु की टीम पॉल को इंट्रोगेशन करने लगते हैं। पॉल जो कुछ भी हुआ सेतु को बताने लगता है। एक दिन कॉन्ट्रैक्टर सैम पॉल से मुलाकात करके उसे ये पूछा, क्या तुम पेसमेकर डिवाइस को हैक करके इंसान को मार सकते हो? पॉल कहने लगता है ओके मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद पॉल डॉक्टर वेनु से मुलाकात करता है, उससे दोस्ती करने लगता है, पेसमेकर डिवाइस की फंक्शनलिटी हासिल कर लेता है और इसी तरह उस डिवाइस को कैसे हैक करते हैं ये भी खोज निकालता है। सो सैम पॉल से कहने लगता है कि पॉल तुम जिसको मारने वाले हो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको एक फ्लाइट टिकट बुक करके दूंगा, उस फ्लाइट में बैठकर उस डिवाइस को हैकिंग करो। सो पॉल उस पेसमेकर डिवाइस को हैक करने पर मिनिस्टर अब्दुल को हार्ट अटैक आता है, वहीं पर उसकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सैम मिनिस्टर को मरवाना नहीं चाहता था, सैम का टारगेट था सुजैन। उस दिन जॉर्ज और सुजैन अपने टिकट्स को तो बुक किया लेकिन जर्नी नहीं कर पाए। सो गलती से मिनिस्टर का पेसमेकर हैक होके मिनिस्टर मर गया। यह होने के बाद डॉक्टर वेनु पॉल से सवाल किया, क्या मिनिस्टर के मरने में तुम्हारा हाथ है? क्या तुमने ही पेसमेकर को हैक किया? यह सवाल सुनने के बाद सैम और पॉल को डर लगने लगा। जब डॉक्टर वेनु ट्रैकिंग के लिए गया, पॉल और सैम वेनु को ऊपर से धक्का देके उसे मार देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले डॉक्टर से पूछने पर पॉल के बारे में जरूर बता सकता है। उसके बाद बासुरन ने मीडिया में अपनी आवाज उठाई थी कि मिनिस्टर और वेनु की मौत के बीच जरूर कोई न कोई लिंक हो सकता है। सो बासुरन का मुंह बंद करने के लिए सैम और पॉल ये दोनों बासुरन को भी मार देते हैं फांसी लगाकर। उसके कुछ दिनों बाद पॉल ही ने ऑफिसर जोस को मार दिया, गाड़ी से उड़ा दिया। सारी बातें सुनने के बाद सेतु पॉल से पूछने लगता है कि उस वक्त तुमको तुम्हारा टारगेट पता नहीं था कि तुम किसको मारने वाले थे, तो तुमको आप कैसे पता चला कि तुम्हारा टारगेट सुजैन है? यह सुनने के बाद पॉल अपने बैग से एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाने लगता है, उसमें जॉर्ज और सुजैन की फोटो होती है। कहने लगता है कि इसी आर्टिकल से मुझे मेरे टारगेट के बारे में पता चला, इसलिए मैं सुजैन को मारने के लिए उसके घर गया। सेतु कहने लगता है कि ये न्यूज़पेपर सैम के मरने के बाद पब्लिश हुआ, जिसका मतलब सैम ने तुमको ये पेपर नहीं दिया, किसी और ने दिया। बताओ किसने दिया, किसने तुमको सुजैन को मारने के लिए कहा? पॉल इसका कोई भी जवाब नहीं देता। खैर सेतु की टीम और इन्वेस्टिगेशन करके सेतु और उसकी टीम ऑफिसर उन्नीतन के पास जाकर उसकी कॉल हिस्ट्री को दिखाते हैं और सेतु उन्नीतन से पूछने लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर सैम और आपके बीच क्या लेना देना है? आप दोनों के बीच बहुत ही लंबी लंबी बातें होती थी और इसी तरह आप पॉल नाम के एक क्रिमिनल से भी बात किया। एक पुलिस ऑफिसर को क्रिमिनल से क्या काम? हमने तुम्हारी एक्स वाइफ से भी पूछताछ किया,
उन्नीतन की एक्स वाइफ और कोई नहीं सुजान ही होती है। उस वक्त सुजान ने सेतु से क्या कहा ये दिखाया जाता है। एक्चुअली सुजान का असली नाम था अंबिका। कुछ सालों पहले अंबिका उन्नीतन की वाइफ थी, लेकिन उस वक्त उन्नीतन हर एक बात पर अपनी वाइफ पर शक करने लगा था और कभी कभार तो उन्नीतन अपनी वाइफ को एक कमरे में बंद भी कर देता था। इसीलिए अंबिका ने उन्नीतन से डिवोर्स लेकर जॉर्ज से शादी कर ली, अपना नाम बदल लिया। उसके बाद सेतु उन्नीतन से कहने लगता है कि तुमने अपना फेस छुपाकर सैम के जरिए से पॉल से हत्याएं करवाई। तुम्हारा टारगेट था तुम्हारी एक्स वाइफ सुजैन, उसके बॉडी में के पेसमेकर को हैक करके तुम अपनी एक्स वाइफ को मरवाना चाहते थे, लेकिन गलती से मिनिस्टर की मौत हो गई, सो उस चीज को कवर करने के लिए तुमने डॉक्टर वेनु को भी मरवाया। एक दिन जब जोश जॉगिंग कर रहा था, जोश ने तुमको और सैम को एक ही साथ देख लिया, तुम्हारे होश उड़ गए। सोचने लगे कि कहीं जोश तुम्हारी बात डिपार्टमेंट में ना बता दे, इसलिए तुमने पॉल के जरिए से जोश को मरवा दिया। सो इसीलिए तुमने जोश के केस को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो केस तुम्हारी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी तो तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी। अब पुलिस वाले हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने केस के डिटेल्स नहीं दिया। तुमने यही सोचा कि सीबीआई वाले इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब देखो तुम्हारी सच्चाई बाहर आ गई। जिस गड्ढे को तुमने खोदा उसी में गिर गए। उन्नीतन कहने लगता है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे। तभी सेतु उन्नीतन के घर की तलाशी लेकर एक न्यूज़पेपर को बाहर निकालता है और इस न्यूज़पेपर में वो हिस्सा कटा होता है जहाँ पर जॉर्ज और सुजैन की फोटो होती है। वहाँ पर एक आर्टिकल होता है, कहने लगता है कि इसका आधा टुकड़ा हमने पॉल के पास पाया गया, यही एक सबूत काफी है तुमको कोर्ट ले जाने के लिए। मतलब उन्नीतन नहीं, इस आर्टिकल को काट के पॉल को खुद ही से दिया था सुजैन को मारने के लिए। खैर कुछ दिनों बाद सेतु पॉल से मिलने के लिए जेल जाता है। पॉल से कहने लगता है कि मेरा फ्रेंड विक्रम एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज हो गया, लेकिन फिर भी तुमको और तुम्हारे नाम को कैसे पहचाना, जिसका मतलब तुम्हारा और विक्रम की टीम का कोई ना कोई लिंक जरूर है। इसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।